OnePlus ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपना नया फोन OnePlus 10T लॉन्च किया है, जो कि Qualcomm के 8 Plus Gen 1 SoC पर चलता है। डेफिनेटली ये फोन एक पावरफुल प्रोसेसर वाला फोन है, लेकिन OnePlus के जब पावरफुल कैमरा वाले फोन की बात आएगी तो मैं आज भी OnePlus 10 Pro को ही पिक करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने OnePlus 10 Pro का लॉन्ग टर्म कैमरा रिव्यू लेके आया हूँ। हम ये जानेंगे कि पहले के मुकाबले अब इसके कैमरा में कितनी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC, जो कि एक 5G चिपसेट है, जिससे आप हाई स्पीड कनेक्टिविटी, सीमलेस वायरलेस HD स्ट्रीमिंग और लैग फ्री ऑनलाइन गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कई सारे काम चुटकियों में कर सकता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। OnePlus 10 Pro थोड़ी ब्लू टोन वाली फोटो कैप्चर कर रहा है, जबकि OnePlus 10 Pro में वो रीडेबल नहीं है। क्लोज अप शॉट में OnePlus 10 Pro ने हल्की सी ब्लू टोन कैप्चर की है और इस फोटो में आप साफ देख सकते हैं। OnePlus जो है वो डायनेमिक रेंज को अच्छे से मेंटेन करके रख रहा है। ये जो वॉल है वो दोनों ने ओवर एक्सपोज करके, लेकिन फ्रिज को आप देखेंगे तो वो OnePlus में ज्यादा ओवर एक्सपोज देगा। OnePlus 10 Pro की पुरानी झलक आपने देखी, लेकिन हम OnePlus 10 Pro वास्तव में कैसा हो गया ये हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम वाइड एंगल शॉट की बात करते हैं। इधर आप देखिए, ये इसके वाइड एंगल मोड पे क्लिक किया गया है और फोटो आप देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इधर कुछ कुछ कमियां हल्की फुल्की हैं, जैसे कि अगर आप सामने जो दो पेड़ आपको दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट में, उसमें देखेंगे तो डार्कनेस दिखाई देगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो को देखेंगे तो वेल लिट है सिनेरियो। धूप और शेडोज का प्रॉपर यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्काई देखिए ब्लू है और पीछे हल्का सा स्काई में आपको वाइट इफेक्ट भी दिखेगा। तो देख सकते हैं कि फोटो बहुत ही ब्यूटीफुल कैप्चर हुई है वाइड एंगल मोड पे। ऐसा नहीं कि कलर साइंस अलग करती हो, पेड़ का कलर अलग दिख रहा हो या फिर सामने जो मॉन्यूमेंट है कलर अलग दिख रहा हो, सब कुछ एकदम रिच इन कलर दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप जूम करके भी देखेंगे तो डिटेलिंग वाइज भी यहाँ पे आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। 3x ऑप्टिकल जूम की बात करें तो पहले भी हमें ये काफी पसंद आया था और अब भी ये आप देख सकते हैं कि एकदम शानदार है। इसी मॉन्यूमेंट का 3x जूम करके ये फोटो कैप्चर की है मैंने और देख सकते हैं कि पहले कितना वाइड था और अब देखिए कितना मैं क्लोज जाके कैप्चर कर पाया। इधर भी कलर की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एक तरफ से धूप बहुत तेज आ रही थी, उसके बावजूद भी इसने शैडोज को काफी अच्छे से मेंटेन किया है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा डार्कनेस देखने को नहीं मिलेगी, स्काई ब्लू है। इसके अलावा जब हम 3x में और भी ज्यादा जूम करके इन स्टोन्स पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिटेलिंग मेंटेन दिखेगी। हालांकि थोड़ा बहुत देखेंगे तो कुछ कुछ जगह पे शायद आपको थोड़ा धुंधलापन देखने को मिल जाए, बट अदरवाइज फोटो में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं HDR ऑफ और HDR ऑन शॉट की। तो OnePlus की जब फोटोग्राफी पहले मैंने करती OnePlus 9 Pro से कंपेयर करते समय, तब भी आपको एक बार फ्लैशबैक दिखा दूं। हालांकि जूम करेंगे तो डिटेलिंग में इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कलर टोन वाइज OnePlus 10 Pro IQ 9 Pro पर भारी पड़ जाता है। तो आपने देखा कि OnePlus 10 Pro तब भी OnePlus 9 Pro से आगे निकल रहा था, कलर साइंस काफी एक्यूरेट थी और अभी भी इन दोनों फोटोज में आप देख सकते हैं कलर साइंस एकदम शानदार और परफेक्ट है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो HDR ऑफ की फोटो खींची है और थोड़ा बहुत आपको स्काई ओवर एक्सपोज दिखाई देगा, बट HDR ऑफ करके आप फोटो नहीं खींचते हैं, HDR ऑन करके खींचते हैं। और राइट साइड में देखिए फोटो कितनी रिच इन डिटेल है। स्काई में आप देखिए आपको गोल्डन आर्क का इफेक्ट भी दिख रहा है पीछे सन का, ऊपर हल्का सा ग्रे स्काई है। आप इस मॉन्यूमेंट को देखिए, एकदम वेल लिट हो रखा है। ग्रीनरी को देखिए, यू नो हर चीज कलर वाइज और डिटेलिंग वाइज यहाँ पे आपको परफेक्ट दिखाई देगी। तो कह सकते हैं कि OnePlus 10 Pro पहले भी शानदार साबित हुआ था और अब भी शानदार है। पर जब मैंने जूम किया तो यहाँ पे आपको IQ 9 Pro का रिजल्ट अच्छा लगेगा। आप देख पाएंगे कि IQ 9 Pro की फोटो थोड़ी ज्यादा क्लियर है, इसमें आपको OnePlus 10 Pro के मुकाबले कम ग्रेन देखने को मिलते हैं और टेक्स्ट भी क्लियर है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको छोटी सी क्लिपिंग दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि OnePlus पहले डिटेलिंग वाइज कुछ कुछ जगह लैग कर रहा था और ब्लू टोन कैप्चर कर रहा था, लेकिन अब देखिए सबसे पहले इस फोटो को देखिए, ये है इसके हाई रेज मोड पे खींची गई फोटो और इधर आप देखिए कलर्स एकदम रिच है। हालांकि स्काई थोड़ा सा यहाँ पे आपको ओवर एक्सपोज दिखाई दे रहा होगा, बट क्योंकि उस टाइम लाइटिंग काफी स्ट्रांग थी इसलिए ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन डिटेलिंग की बात करेंगे तो जैसे ये छोटा सा बोर्ड आपको दिख रहा है, इस पर हम जूम करके आपको दिखा दें, इधर आप टेक्स्ट देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले कितना रीडेबल हो चुका है। पहले इतना रीडेबल नहीं था, यहाँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है OnePlus ने, शार्पनेस और डिटेलिंग थोड़ी सी बढ़ाई है ओवर द पीरियड सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पोर्ट्रेट की बात करेंगे, जिसमें आपको पहले ब्लू टोन देखने को मिल रही थी, यहाँ देखिए ब्लू टोन नहीं है। देख सकते हैं कि OnePlus 10 Pro जो नेचर है उसकी फोटो तो बहुत शानदार खींच रहा है, पर जैसे एक ह्यूमन की फोटो आप खींचेंगे तब OnePlus 10 Pro
का पलड़ा आईक्यू के सामने कमजोर पड़ जाएगा। काफी क्लोज टू नेचुरल कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए मेरा चेहरा पूरा जो यू नो स्किन टोन होना चाहिए वैसा ही मेंटेन है, और इसके साथ साथ ब्लैक्स भी देखिए एकदम सही आपको परफेक्ट कलर दिखाई देगा। एक तरफ से लाइट आ रही है और एक तरफ नहीं है, तो उसका डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलेगा मेरे चेहरे पे। आप देख सकते हैं कि एकदम रिच फोटो लग रही है। अगर आप भी ऐसी एक पोर्ट्रेट फोटो खींच के अपने यू नो सोशल मीडिया पर डाल दें तो जरूर यू नो लाइक्स की भरमार लग जाएगी, क्योंकि काफी रिच फोटो खींच रहा है विद परफेक्ट एज डिटेक्शन। तो कह सकते हैं पहले के मुकाबले OnePlus ने इम्प्रूवमेंट्स तो की हैं, हालांकि कुछ जगह पे अभी भी ये लैक कर रहा है। जैसे कि क्लोजअप मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेन्स होते हैं पीछे उनको थोड़ा सा ब्लू कर देता है, और अभी भी हल्का सा यहाँ पे आप देखिए आपको कूलर टोन देखने को मिल जाएगी। येलो फ्लार था, प्रॉपर येलो नहीं लग रहा है, यहाँ पे हल्की सी कूल टोन देखने को मिल रही है इस फोटो में। इसके अलावा मैंने आपको अभी दिखाया था कि डायनामिक रेंज जो है वो मुझे इसकी वीडियो वाइज इतनी अच्छी नहीं लगी थी, और अभी भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसके लिए अब आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये OnePlus 10 Pro के रियर कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ, 1080p एट 30fps पे शूट कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि क्वालिटी रियर कैमरा की कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई, जैसे अभी देखिए स्काई के अगेंस्ट जाने पे काफ़ी बर्न हो जाता है ये, और अगर जैसे इस आप यू नो टूम को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए अगर मैं पेड़ों को देखूँ तो पेड़ डार्क हैं पीछे एकदम यू नो प्रॉपरली लाइट मेंटेन है, और जब हम स्काई के अगेन जाते हैं तो इधर देखिए फिर आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी। तो डायनेमिक रेंज वीडियो की मुझे कुछ खास इम्प्रूव नहीं दिखी पहले के मुकाबले। जब मैंने इसे आईक्यू 9 प्रो से कंपेयर किया था तब भी मुझे ये कमियां देखने को मिली थी, जैसे आप देखिए पीछे काफ़ी आपको ओवर एक्सपोज्ड एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी कि डायनेमिक रेंज कंपनी इंप्रूव करे, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। स्टेबिलिटी अच्छी है आप खुद देख सकते हैं, कलर साइंस भी अच्छी है, बस डायनेमिक रेंज में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी जो कि अभी फिलहाल OnePlus 10 Pro में नहीं हुई है। और ये आप खुद देख सकते हैं पूरा सिनेरियो आप देखिए, और कलर साइंस को भी आप गौर से देखिए। आप बताएं कि आपको 10 Pro में कोई इंप्रूवमेंट लगी पहले के मुकाबले, पुराना वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है आप देख सकते हैं। रियर कैमरा की डायनेमिक रेंज भले ही मुझे इतनी अच्छी अभी भी नहीं लग रही हो, लेकिन अगर आप फ्रंट कैमरा में देखेंगे तो वीडियो वाइज इंप्रूवमेंट्स हैं, और उसी टेस्ट के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अब यहाँ पर अगर OnePlus 10 Pro के फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं, इंप्रूवमेंट्स हुई है। जैसे कि अगर अगेंस्ट द लाइट देखें, पीछे आप देखिए लाइट बहुत तेज़ है, तो पहले जब हम ऐसे अगेंस्ट लाइट शूट करते थे तो ये सिर्फ फेस को लाइट अप करता था और पीछे ओवर एक्सपोज करता था, लाइटिंग को मेंटेन नहीं करता था। लेकिन अब देखिए पीछे की लाइट प्रॉपरली मेंटेन आपको दिख रहा होगा, पीछे किला देखिए कहीं भी ओवर एक्सपोजर नहीं है, पेड़ों की टिप्स को भी देखिए कहीं भी ओवर एक्सपोजर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लाइटिंग को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया है इसने। और इधर से देखिए चेहरे पे एक तरफ बहुत तेज लाइट आ रही है पर इधर का एरिया डार्क नहीं हो रहा, तो इंप्रूवमेंट जरूर है फ्रंट कैमरा में। कलर्स आप देख सकते हैं पहले की तरह काफ़ी खिले हुए हैं, नेचुरल से कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लोज टू नेचुरल, और बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं बढ़ाई हुई, तो फ्रंट कैमरा इंप्रूव तो हुआ है पहले से। दोनों के जो बैकड्रॉप है वो ठीक से ब्लर है, दोनों का कटआउट अच्छे से हो रखा है, लेकिन अब कलर साइंस थोड़ी ब्राइटनेस और ओवरऑल लुक देखी जाए तो मुझे इस सिनेरियो में आईक्यू 9 प्रो OnePlus से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो यहाँ पे आपने इस फ्लैशबैक वीडियो में देखा कि आईक्यू 9 प्रो जो है पहले OnePlus 10 Pro से अच्छी फोटो खींचता था, और OnePlus 10 Pro में कुछ कुछ कमियां थी, लेकिन अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो इधर अब आप देखिए OnePlus 10 Pro में कमी जो है वो एकदम ना के बराबर हो चुकी है, इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली हैं। दोनों फोटोज को देखिए साइड बाई साइड चल रही है, एक है सेल्फी विदाउट पोर्ट्रेट और एक पोर्ट्रेट के साथ सेल्फी है। विदाउट पोर्ट्रेट में थोड़ी सी लाइट एक्स्ट्रा है हल्की सी, वो आपको टी शर्ट पर दिख जाएगी, लेकिन अगर आप विद पोर्ट्रेट देखेंगे तो आप देखिए क्लैरिटी बढ़ी हुई है। तो कमी जो पहले आपको देखने को मिल रही थी OnePlus 10 Pro की सेल्फी में, ब्लू टोन आती थी हल्की सी और ओवर एक्सपोज करता था कुछ कुछ एरियाज को, वो यहाँ पे OnePlus ने ठीक कर दिया है, और वो आप इस फोटो में खुद देख सकते हैं। अब आपने देखा कि डे लाइट में डेफिनेटली इसमें कई सारे कैमरा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं, हालांकि आप देख सकते हैं कि डायनामिक रेंज वाइज अभी भी ये थोड़ा सा कमजोर साबित होता है। पर एनीवे अब बारी आती है ये जानने की कि लो लाइट में इसमें कितनी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। अब डे लाइटिंग के बाद अगर लो लाइट सिचुएशन पे आते हैं तो यहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट नहीं बल्कि यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा मुझे पहले के मुकाबले ज्यादा कमी देखने को मिली। मैंने आपको शुरू के यू नो क्लिपिंग में दिखाया था कि OnePlus जो है वो फ्रंट लाइट को अच्छे से कंट्रोल करता था, पीछे को थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रहा था, लेकिन अगर आप इस फ्रंट वीडियो में देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि OnePlus जो है वो पीछे की लाइटिंग को अभी भी काफी एक्सपोज कर रहा है। इसके साथ चेहरे पे अब देखिए काफी ग्रेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डार्क सिनेरियो कैप्चर हो रहा है, सेम लाइटिंग कंडीशन रखी है मैंने, ओवरऑल देख सकते हैं कितना डार्क सिनेरियो कैप्चर कर रहा है, ग्रेन्स काफी ज्यादा इस बार OnePlus 10 Pro में मुझे देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं जब ज्यादा लाइट में आएंगे तो वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन लो लाइट में जैसी आता है तो वहां पे परेशानी अब पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है।
इसका प्रूफ हम फोटो के माध्यम से भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो दो फोटोज हैं, एक है रेगुलर नाइट फोटो और एक है नाइट मोड ऑन करके कैप्चर की गई सेल्फी। इधर इन दोनों फोटोज में आप देख सकते हैं ग्रेन्स जो है वन प्लस में पहले के मुकाबले ज्यादा कैप्चर हो रहे हैं। पहले इतने ग्रेन्स कैप्चर नहीं होते थे। सिनेरियो भी अब थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाता है, वो आप खुद देख सकते हैं, पहले इतना डार्क सिनेरियो देखने को नहीं मिलता था। तो कुछ तो यहाँ पे वन प्लस के सॉफ्टवेयर में कमी हुई है कि लो लाइट में फोटो थोड़ी डिटोरिएट हो गई है, डे लाइट में एनहांसमेंट है, लेकिन लो लाइट सेल्फी में थोड़ी सी मुझे कमी देखने को मिली। अब एक बार बैक कैमरा का लो लाइट वीडियो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वन प्लस टेन प्रो का लो लाइट वीडियो सैंपल। और अगर आप इस वीडियो सैंपल को देखेंगे तो कुछ ज़्यादा चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लॉन्ग टर्म कैमरा कंपेरिजन कर रहा हूँ, मैंने जो पहले आईकू 9 प्रो से इसे कंपेयर किया था तो ऐसे ही कुछ लाइटिंग दिख रही थी, क्लियर था यहाँ पे व्यू। लेकिन जो एक चीज़ नोटिस करी थी और वो ये थी कि ये जो मेरे मंदिर की लाइट है ये देखिए काफ़ी आप देख सकते हैं ओवर एक्सपोज हो रही है, आपको दिखेगा। और जब मैंने पहले इसे कंपेयर किया तब भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो था। ओवरऑल फ्रेम में अच्छी खासी लाइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब हम लाइट कंट्रोल की बात करेंगे तो वहाँ अभी भी थोड़ी सी यहाँ पे कमी वन प्लस टेन प्रो में देखने को मिल जाती है। और इस लाइट को भी आप देख सकते हैं, इधर आप पूरा सिनेरियो देखिए, ओवरऑल सिनेरियो अच्छा है, लेकिन जब ऐसे कोई यू नो लाइट आती है उसे कंट्रोल करने में थोड़ा सा असमर्थ होता है ये। वहीं अगर फोटोज़ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं लाइट काफ़ी अच्छे से इसने मेंटेन रखी है, लेकिन जो कमी पहले थी वो अभी भी है। यानी मेरे मंदिर पे जब हम आपको जूम कर दिखाएंगे तो डिटेलिंग दोनों में ही लैग कर रही है। रेगुलर लो लाइट फोटो में आप देखिए ओवर एक्सपोजर देखने को मिल रहा है, और जब मैंने नाइट मोड ऑन करके फोटो कैप्चर की तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लाइट को थोड़ा सप्रेस कर दिया है। आपको बता दूं कि मैंने इस बार भी मंदिर पे ही फोकस पॉइंट रखा था, उसके बावजूद भी क्लैरिटी इस एरिया में नहीं आ पाई, तो लो लाइट में थोड़ा सा अभी भी ये स्ट्रगल करता है। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है वन प्लस टेन प्रो का लॉन्ग टर्म कैमरा रिव्यू। आई एम श्योर कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि इसमें कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है। हालांकि लो लाइट सेक्शन पे अगर आपने गौर किया है तो आपको समझ आया होगा कि पहले के मुकाबले इसमें थोड़ी सी और कमियाँ देखने को मिल रही हैं। पर जब आप मुझसे पूछेंगे कि वन प्लस फ़ोन में आपको एक दमदार कैमरा फ़ोन चाहिए तो वो कौन सा हो, तो मैं आपको वन प्लस टेन प्रो ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आज भी इसकी कैमरा क्वालिटी एकदम सुपीरियर है। बट एनीवे कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।